बस थोड़ी सी वफा चाहिए, जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए। जीना कोई मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी वफा चाहिए, जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए। जीना कोई मुश्किल तो नहीं, कुछ नहीं पूछूंगा तुमसे कि तुम कहां गई थी, क्यों गई थी, इतनी रात गए, कहां से आ रही हो, कुछ नहीं पूछूंगा तुमसे। अगर तुम मुझे डे वन से मिल जाते ना, तो जो जख्म मेरी रूह को लगे शायद वो ना लगते। जब मैं आया तो घर में कोई नहीं था, अकेला था अभी। अच्छा सो मैंने जान के नहीं किया, इसमें मेरा कसूर नहीं है। तुम्हारा कसूर ये है कि तुम अभी को मुलाजमों पर छोड़कर चली गई। थोड़ी सी बेवफा बेवफाई। सॉरी, अच्छा हम चलते हैं फिर। चलो बेटा। पापा अब आप कब आएंगे? बेटा जल्द आऊंगा इंशाल्लाह, तुम फिक्र ना करो। मतलब मैं मामा से कह के आपके घर अरसल से मिलने आ सकती हूँ ना? घर के आंगन में आंधी आए तो पत्ते बिखर जाए। बोले ना मामा। हाँ बेटा क्यों नहीं। कोई झोंका भी। एनी टाइम बेटा, एनी टाइम तुम मुझे फोन कर देना, मैं और अरसल तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ओके के बाद अरसल। डर जाते हैं पापा। दिल के शीशे में तेरे लफ्जों के जख्म खिलते रहे, धीरे धीरे से मेरी राहों में दर्द उगते रहे। पांव मेरे छिलते रहे, होना था जो सो हुआ, मरना कोई मुश्किल तो नहीं, बस मरने की दुआ चाहिए, जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए। पापा। अभी। आई मिस यू पापा। आई मिस यू टू। कैसा है मेरा बेटा? वहां बेटा सोना मत। अच्छा मैं दूध लेके आ रही हूँ। जी बाबा, मैंने आपसे एक शिकायत लगानी है। Really? क्या? मामा भी और असल जब खेल लेते ना, उन्होंने मुझे नहीं खिलाया। मैंने उनको बोला भी, उन्होंने मुझे फिर भी नहीं खिलाया। तो आपने मामा को नहीं बताया? मैंने मामा को बताया था, मामा ने उनको कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने मुझे यहाँ पे भी पंच मारा था और यहाँ पे भी पंच मारा था। हमने मारा आपको? मैंने मामा मापे से कुट्टी कर ली है बाबा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, उन्होंने बहुत जोर से मारा था। This is too much. हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। माम। जी पापा क्या हुआ? ये क्या हरकत थी? क्या 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 पापा?
कोई दूसरों के साथ मिलकर अपने भाई के साथ ऐसा सलूक करता है? क्या पापा, क्या तुमने अवि को पंच मारा है? नहीं पापा, मैंने उसके कुछ भी नहीं कहा, वो ही बार बार मेरे और अर्सल के बीच में आ रहा था। तुम झूठ बोल रही हो, शट अप। घर में अर्सल क्या आ जाता है, तुम्हारी तो दुनिया ही बदल जाती है, सब कुछ भूल जाती हो तुम। नहीं पापा, वो ही बार बार मुझे तंग कर रहा था, अर्सल को तंग कर रहा था। हम लोगों ने उसे कुछ भी नहीं कहा पापा, वो झूठ बोल रहा होगा। बजाय इसके कि तुम सॉरी कहो, तुम बहस कर रही हो मेरे साथ, क्यों? पापा मैं झूठ नहीं बोल रही, लेकिन माम क्या हुआ? क्या हुआ पूछो इससे, पूछो इससे क्या हुआ। माम बेटा, मैंने कुछ भी नहीं किया मामा, बार बार अभी झूठ बोल रही है। जाकर देखो अभी के रूम में कैसा बैठा हुआ है वो, फ्रस्ट्रेटेड सा, डिप्रेस सा। इसे पंच मारे है अभी को और फिर बहस कर रही है मुझसे। एक सेकंड माम बेटा, ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। नहीं मामा, अभी को मैंने कुछ भी नहीं कहा, वो बार बार बीच में आ जा रहा था। झूठ मत बोलो तुम। जासिम, बच्चे आपस में। तुम अभी चलो मेरे साथ, तुम अभी से अपोलोजाइज करोगी और आज के बाद कोई किसी के साथ फिजिकल नहीं होगा इस घर में। चलो चलो इधर। लेकिन चलो इधर। सॉरी को, मैंने कहा सॉरी को, सॉरी को इसे। जीना कोई मुश्किल तो नहीं, सुना नहीं तुमने? सॉरी को, सॉरी अभी। घर के आंगन में आंधी आए तो गानिया पत्ते बिखर। हमको अच्छी तरह समझा दो, क्या इंदा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए? कोई झोंका भी छूके गुजरे तो बेचारे डर जाते हैं, रोना नहीं जब डर लगे, होना था जो सो हुआ। देर हो गई है, कहाँ रह गया राहिल? हालांकि मैंने उसे बताया भी था कि आज इतना स्पेशल दिन है और मैं अपने हाथों से केक बना रही हूं, फिर भी मेरा फोन काट दिया। शायद रास्ते में होंगे, लेकिन देर बहुत करती है। ऑफ क्यों जा रहा है? फोन बंद कर दिया क्या? नहीं नहीं, उसकी बैटरी डेड हो गई होगी। हैरत की बात है, इतनी देर करती राहिल ने।
लो बेटा, अब देखना महा माफी आपको कुछ नहीं कहेंगे। महा माफी मुझे मारेंगी भी नहीं। मारेंगी तो पापा उसको मारेंगे, डांटेंगे आप देख। मैं मामा को बोल दूंगा, वो उनको डांटेंगी। हाँ जाने, चलो बहुत देर हो गई है, चलो शोएं चलते। अच्छा जा 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 कोई बात नहीं मेरी जान, खैर आपके बाबा है ना, वो थोड़ा सा डांट दिया तो क्या हुआ? नहीं मामा, वो मेरे बाबा नहीं है। बेटा आपके बाबा ही हैं, वो बहुत प्यार करते हैं आपसे। देखो मामा भी तो डांट देती हैं कभी कभी, तो मामा से तो आप नाराज नहीं होती? मामा मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ ना, और अभी उनका सगा बेटा है, इसलिए वो मुझे ज्यादा डांटते हैं। मां बेटा ऐसी बातें नहीं करते हैं, जासिम बाबा बहुत प्यार करते हैं आपसे। आपको याद है ना उन्होंने कनाडा जाना था, लेकिन वो क्यों नहीं गए? क्योंकि आप नहीं जा सकती थी, और अभी कितना खुश था कनाडा जाने के लिए। लेकिन जब बाबा को पता चला कि माँ हम नहीं जा सकती, तो उन्होंने कहा हम भी नहीं जाएंगे। तो आपसे प्यार करते हैं तो उन्होंने ये किया ना। मामा ये वाले पापा बहुत बुरे हैं, मुझे इनके साथ बिल्कुल नहीं रहना, मुझे इनके साथ नहीं रहना मामा, मुझे मेरे असली वाले पापा के पास जाना है, असली वाले भाई के साथ जाना है। नहीं मेरी जान, ये बात मैं आपको कितनी दफा समझा सकती हूँ, आप अभी छोटी हो ना, आपको समझ नहीं आ रही, जब बड़ी होगी तो समझ आओगी। अब यही आपका घर है और यही आपके बाबा। मगर मामा। बस बेटा एक बात आप बार बार करती जा रही हो, कितनी दफा मैंने आपको समझाया पर आप समझ ही नहीं रही हो। अब आराम से सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। कहना कि मेरी और माम की वजह से नहीं जा सक रहा। रानी एक अपॉर्चुनिटी तो है ना, तुम कहाँ रह गए थे? सॉरी। लेकिन मैंने तुम्हें बताया भी था कि तुम्हारी सालगिरह के लिए मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए केक बना रही हूँ, फिर भी तुमने इतनी देर कर दी। मैंने कहा ना मैं एक मीटिंग में था, इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू पिक द फोन। थोड़ी सी आंखों में किसके सपनों की बगिया खिलती रही। मैं यही ठीक हूँ। मेरे नदिया गिरती रही, किससे कहें कैसे कहें, होना था जो सो हुआ। तुम ठीक तो हो ना? जी पापा। कोई कोई भी बात हुआ करे ना तो फोन कर दिया करो तुम मुझे। जी पापा। I love you बेटा। पापा।
मुझे आपकी घर के और अर्सल की बहुत याद आती है। क्या आप, मैं, अर्सल और मामा एक साथ इकट्ठे वापस नहीं हो सकते? घर के आंगन में आंधी बेटा, जो कुछ भी हुआ ना उसे मेरा गुस्सा, हम अलग हो गए ना, इसमें सारा कसूर तेरे बाबा का। बेचारे डर जाते हैं, रोना। अब हम नहीं मिल सकते बेटा, नहीं रह सकते अकेले, होना था ये मुमकिन नहीं। सो हुआ, सांसें भी सोई गई बेटा, मुश्किल तो नहीं, तो माफ कर दे अपने बाप को। थोड़ी सी बेवफा। गिफ्ट लाइए क्यों नहीं बता? ये काफी नहीं है। मैडम चल क्यों नहीं रही है? देखो ये भी नाराज है। कैन आई ट्राई? थैंक यू। ये देखो, जज्बे के साथ चलानी पड़ेगी। Alright, I think these are enough. ये वो भी चला। नहीं ठीक है। ठीक है। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Rahi. Happy birthday to you. खाना तो बाहर से नहीं खा के आए हो ना? Not at all. खाना दो। क्या बनाया? Surprise. That's a surprise. Okay. What? What? तुम ये करते रहो, मैं खाना लाती हूँ। Really? I've done it. What? तुम खाना ही ले आओ, पता है ये तो नहीं मजरी। ये दूध आपने आज पूरा खत्म करना है। ओके माम, बेटा जल्दी आओ, लेट हो रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी जान, खोलो। रोज आप आधा नाश्ता छोड़ के चले जाते। अब मुझे बताओ कि मिल्क लोगे या जूस? जूस। और मेरी गुड़िया कुछ और चाहिए? बटर, जैम, चाय ठंडी हो गई है, मैं एक मिनट में लाई। मामा, ये वाले पापा बहुत बुरे हैं, मुझे इनके साथ बिल्कुल नहीं रहना, मुझे इनके साथ नहीं रहना मामा। पापा कहाँ गए? वो तो चले गए। चाय पिए बगैर ऐसा तो कभी नहीं होता। आसम, आप चाय पिए बगैर क्यों गए? बस दिल नहीं चाह रहा था। ओके।
और कभी कभार कुछ वक्त अपने साथ अकेले में भी गुजारना चाहिए, क्योंकि बाकी सब शायद कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पर छोड़कर चले ही जाते हैं। देखिए ना तो वो कोई होमवर्क कंप्लीट करके आता है, उसका तो दिल बिल्कुल ही उचाट हो गया है पढ़ाई से। तुम जब से मेरी जिंदगी में आई हो, एवरीथिंग हैज चेंज्ड। अच्छा, मैं तुम्हें हर रोज नहीं ले जा सकता तुम्हारी वालदा के पास। थोड़ी सी बेवफाई। मैडम उसकी तबीयत सही नहीं रहती है, इसीलिए मैं उसको तो ज्यादा प्रेशर नहीं डालता। वो तो ठीक है शिराज साहब, लेकिन जो इसका सिलसिला टूटा हुआ है बीमारी की वजह से, एजुकेशन का, उसकी वजह से अब उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा। देखिए ना तो वो कोई होमवर्क कंप्लीट करके आता है, ना तो वो क्लास में पढ़ाई पे कोई ध्यान दे रहा है, उसका तो दिल बिल्कुल ही उचाट हो गया है पढ़ाई से। जब वो कुछ करेगा नहीं, कुछ पढ़ेगा नहीं, तो वो अगली क्लास में कैसे जा सकता है? यही बताने के लिए आज आपको यहाँ बुलाया गया है कि आपका बच्चा बहुत ही पीछे रह गया है। अगर उस पर तवज्जो ना दी गई तो उसका अगली क्लास में प्रोमोट होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बस यही बताने के लिए आपको बुलाया था। मुश्किल तो नहीं, घर के आंगन में आंधी आए तो पत्ते बिखर जाते हैं, कोई झोंका भी छू के गुजरे तो बेचारे डर जाते हैं। रोना नहीं जब डर लगे, होना था जो सो हुआ, सांस लेना मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी जगह चाहिए। अब बताओ बिना, किस बात की एक्साइटमेंट है और ये कागजात क्या है? तुम्हें याद है मैंने तुमसे वो सीएनजी की जो एक कंपनी है उसके चेन के बारे में बात की थी? वही वाला प्रोजेक्ट जो तुम बता रहे थे कि कुछ अरबों रुपए का है लेकिन हमें करोड़ों रुपए की रिश्वत देनी पड़ेगी? Exactly वही। Okay, तो क्या? हमें वो प्रोजेक्ट मिल गया है मेहरू, मिल गया हमें वो प्रोजेक्ट। क्या? Yes। Really? Yes। और वो प्रोजेक्ट हमें करोड़ों में नहीं, सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए में मिला है। हमें 2.5 करोड़ देने पड़ेंगे? Of course देने पड़ेंगे मेहरू, 2.5 करोड़ रुपए में इतनी बड़ी डील कभी नहीं मिल सकती हमें। We can be billionaires, billionaires। तुम्हारी मर्जी की गाड़ियां, तुम्हारी मर्जी का घर और मेरी मर्जी का एक बड़ा सा फार्म हाउस बन सकता है यार। लेकिन राहिल वो तो सब ठीक है लेकिन। Let me explain you। देखो, जिस ऑफिस में ये सारा काम होना है ना, वहां पर मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त पोस्ट हो गया, चीजें आसान हो गई। It's easier now। और अब मैं ये सारी चीजें तुम्हारे नाम करना चाहता हूं। क्या? Yes। Oh my God। After all, it's all because of you। तुम जब से मेरी जिंदगी में आई हो, everything has changed। I love you। I love you too। Let's celebrate। Come on, come on, let's go। We'll have sushi tonight।
साहब, देखो तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो बेटा। मैं तुमसे कब से कह रहा हूँ कि नहीं ले जा सकते मैं तुम्हें वहाँ। मुझे पता, मुझे मामा के पास जाना अभी। अरसर, मैं तुम्हें हर रोज नहीं ले जा सकता तुम्हारी वालदा के पास। एक तो तुम्हारी टीचर ने भी मुस्तकिल शिकायत लगाई हुई है कि तुम अपना काम ही नहीं करते हो, फिर अगली क्लास में कैसे जाओगे तुम? यार असल खुदा का वास्ता, मेरे सर में दर्द हो गया है यार, किस तरह समझाऊं कि मैं नहीं ले जा सकता तुम्हें? मुझे पता, मुझे मामा के पास जाना है। असल में जो मर्जी आए करो तुम। जीना कोई मुश्किल तो से रोए चला जा रहा है, ले जाइए ना। बुआ, मुझे बार बार रानिया के पास ले जाना अच्छा नहीं लगता, और ये भी मुझे मुनासिब नहीं लगता कि मैं हर रोज उसको फोन करता रहूं। आपको तो ये बात समझनी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन पिछले 1.5 घंटे से वो रोए चला जा रहा है। जान अपने हर कान कर लिए, आप मिलवा दीजिए ना उसे। लेकिन बुआ मैं बस, अब आप कुछ ना सोचिए, आप उसे ले जाइए। देखिए थोड़ी सी देर मिल लेगा ना तो उसका दिल हल्का हो जाएगा। आपने महसूस नहीं किया जब वो दोबारा अस्पताल से आया ना, सख्त ज्यादा जिद करने लगा है। आप ऐसा करें कि बस अब कुछ नहीं सोचें और उसे मिलवा लें, वरना अब यकीन माने मुझे बहुत धड़का लगा हुआ है कि फिर से नबी मार पड़ जाए वो। बहुत रो रहा था सुबह से, मैं लेके नहीं आता, वरना चुपी होके नहीं दे रहा था, इसलिए मुझे लाना पड़ा। मैंने तुम्हें फोन किया था, तुमने फोन ही नहीं उठाया। मैंने अभी तुम्हारी मिस्ड कॉल देखी थी, सॉरी जरा बिजी थी, कॉल बैक नहीं कर सकी। बस मुझे डर ये था कि कहीं रो रो के बीमार ना हो जाए, इसलिए लाना पड़ा। बहुत अच्छा किया, मुझे भी बहुत याद आ रहा था। आई एम सॉरी, मैं बार बार आ जाता हूँ, बस ये मजबूर कर देता है मुझे। तुम रुकोगे या मैं इसे बाद में खुद ड्रॉप कर दूँ? वैसे मुझे जासिम के साथ आज जाना है, उसकी फैमिली में कोई फंक्शन है, अगर तुम थोड़ी देर रुक जाओ तो साथ ही ले जाना। हाँ हाँ ठीक है, मैं इंतजार कर लूँगा। माँ, हम बाबा को ड्राइंग रूम में बिठा दो। तेरी आँखों में किसके सपनों की बगिया खिलती रही। मैं यही ठीक। मेरी रातों पे मेरे अश्कों की नदिया गिरती रही। किससे कहें, कैसे कहें, होना था जो सो हुआ। पूजा तुम ठीक तो हो ना? जी पापा। अगर कोई भी बात हुआ करे ना तो फोन कर दिया करो तुम मुझे। जी पापा। आई लव यू बेटा। पापा, मुझे
क्या आपकी घर के और अर्सल की बहुत याद आती है? क्या आप, मैं, अर्सल और मामा एक साथ इकट्ठे वापस नहीं हो सकते? घर के आंगन में आंधी बेटा, जो कुछ भी हुआ ना उसमें मेरा कुछ, हम अलग हो गए ना इसमें सारा कसूर तेरे बाबा का। बेचारे डर जाते हैं रोना। अब हम नहीं मिल सकते बेटा, नहीं रह सकते तेरे, होना था ये मुमकिन नहीं। सो हुआ सांसें भी सोएं बेटा, मुश्किल तो नहीं, तू माफ कर दे अपने बाप को। थोड़ी सी बेवफाई सी बेवफाई। अर्शद बहुत तंग कर रहा था माँ से मिलने के लिए। मैंने तुमसे यहाँ आने का बहाना नहीं पूछा। मैं बहाना क्यों बनाऊँ? आइंदा तुमने किसी से भी